अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपसे कपास के ताज़ा तरीन रेट शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छे रेट इस टाइम पे कपास के गला मंडियों में चल रहे हैं। किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है। कई इलाकों में 10 से 11 हज़ार रुपये भी फीमन रेट हो चुका है। आप दोस्तों से आज के रेट शेयर करूँगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मरवत 7,000 से लेकर 9,250 रुपये, जबकि भावलपुर में 9,000 से लेकर 11,250 रुपये। अगर दोस्तों हम बात करें चौक मुंडा 7,000 से लेकर 10,500 रुपये फीमन, जबकि आरिफ वाला में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये फीमन। फतेहपुर की दोस्तों अगर बात करें तो 6,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि लैया में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये फीमन फरोख्त हुई। व्याड़ी में 8,000 से लेकर 8,700 रुपये फीमन। अगर दोस्तों बात करें हम लोधरा में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये फीमन सेल हुई, जबकि फ़कीर वाली में 7,000 से लेकर 9,250 रुपये। अगर बात करें मियाँ चुनू 7,000 से लेकर 8,700 रुपये फीमन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सादकाबाद, 9,000 से लेकर 9,800 रुपये फीमन। और अगर इसके बाद बात करें जजमान, 8,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि मियाँ वाली की अगर दोस्तों बात करें तो मियाँ वाली में 8,500 से लेकर 9,500 रुपये फीमन सेल हुई। चिश्तियाँ में 7,500 से लेकर 8,400 रुपये फीमन सेल हुई। अलीपुर में 7,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि रहीम यार खान में 7,000 से लेकर 11,000 रुपये फीमन हासिलपुर में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये फीमन। अगर दोस्तों इसके बाद हम बात करें पीपला, 7,500 से लेकर 8,500 रुपये फीमन। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे खाने वाल, 6,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि दोस्तों फोर्ट अब्बास में 7,000 से लेकर 9,250 रुपये फीमन। अगर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डोंगा बोंगा, 8,000 से लेकर 9,200 रुपये फीमन, जबकि टोंसा में 7,000 से लेकर 8,000 रुपये फीमन सेल हुई। टोबा टैक्सिंग की मैं बात करें तो 6,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि खानपुर में 7,000 से लेकर 9,250 रुपये फीमन। चिचावतनी में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये फीमन। अगर दोस्तों इसके बाद बात करें डीजी खान, 7,000 से लेकर 8,500 रुपये फीमन, जबकि बावल नगर में 6,500 से लेकर 8,500 रुपये फीमन सेल हुई। कपास हरुणाबाद में 7,500 से लेकर 9,000 रुपये फीमन सेल हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप दोस्तों को बर वक्त अपडेट हम पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया।